पहला चैप्टर है हम लोगों का पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यदि हम कोई वाक्य बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो वो स्पष्ट होता है, और स्पष्ट जब कोई सेंटेंस होता है तभी उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यदि आप कहेंगे है राम सीता खाती, है ना, है राम सीता खाती, तो इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। लेकिन आप कहेंगे राम सीता खाती हैं तो ये एक स्पष्ट अर्थ निकलता है। आप कहेंगे है राम गेम खेलता, तो ऐसे में अर्थ स्पष्ट नहीं निकला, लेकिन आप इसे स्पष्ट करने के लिए क्या कहेंगे, राम गेम खेलता है। तो वैसे सेंटेंस में जब ध्यान देंगे तो आपको जब स्पष्ट अर्थ निकलेगा तभी जाके उसे हम कहेंगे कि यह एक सेंटेंस है, यह एक वाक्य है। अब इस चैप्टर में पार्ट ऑफ सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस का, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं हम राम इज गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस सेंटेंस में राम इज गोइंग टू स्कूल, राम घर जा रहा है, तो इसमें क्या पढ़ने वाली बात है भाई? इसमें पढ़ने वाली बात यही तो है कि ये जो सेंटेंस है ये स्पष्ट है, इसका जो क्रम है वो स्पष्ट रखा गया है, सीरीज से रखा गया है। इसका मतलब आप ये है कि राम कुछ होगा, इज कुछ होगा, ये गोइंग कुछ होगा, टू कुछ होगा, और ये स्कूल कुछ होगा। ये सारे शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बना है, जो सेंटेंस अर्थ, जिसका जिस सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट मिल रहा है, तो वैसे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक स्पष्ट वाक्य हो जाएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे राम आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपका मेन वर्ब है, टू आपका प्रीपोजिशन है, स्कूल आपका कॉम्प्लीमेंट है या अदर वर्ड्स हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में ये सारे आ कहाँ से रहे हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये है क्या, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और आप जब तक ग्रामर पढ़ेंगे तब तक, जब तक ग्रामर पढ़ेंगे तब तक आपको सेंटेंस के विषय में नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि आप सेंटेंस नहीं पढ़े हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़े हैं, तो आप आगे चलकर ना टेंस समझ पाएंगे, ना तो एक्टिव पैसिव समझ पाएंगे, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ पाएंगे, ना ही कभी किसी का ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सब्जेक्ट को पहचानना जरूरी होगा, प्रेडिकेट को पहचानना जरूरी होगा, उसमें वर्ब को पहचानना जरूरी होगा, तभी तो आप राम के बाद ही इज लगाएंगे। यदि आपको यह क्रम पता नहीं है तो आप इज को पहले लगा सकते हैं, राम को बाद में रख सकते हैं, सेंटेंस क्या पता लगा सेंटेंस के अर्थ में, अंत में यहाँ पर राम को लिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, तो ये बातें होती हैं। लेकिन हम पार्ट ऑफ सेंटेंस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जो कि आपको लगभग बताई नहीं जाती हैं, आपको घुमा फिरा के बताने का एक तरीका सा निकल गया है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है, और तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे आगे। इसके बिना आप पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं समझ पाएंगे, ना ही किसी सेंटेंस को समझ पाएंगे जब इस बेसिक चीज़ों को नहीं जानते रहेंगे, है ना। चलिए देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको पता है यदि आप कार कहते हैं, मान लीजिए आपने कहा कार, तो आपको क्या लगा, आपको ये लगा कि एक कार है, है ना। यदि आप कहेंगे कारें, तो इसका मतलब है बहुत सी कार हैं, बहुत सी कार का मतलब एक से अधिक है, हो सकता है वो दो हो सकता है वो तीन हो सकता है वो दो से दो, एक से तो अधिक है, बहुत सारी कारें होंगी। तो इंग्लिश में जब हम कार कहते हैं तो इसका मतलब एक कार होगा, और जब हम कार्स कहते हैं तो इसका मतलब होगा बहुत सी कार। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं,
क्योंकि आपको पता है जब एक चीजें होती हैं तो उसे कहते हैं एकवचन, एक से अधिक होता है तो उसे हम कहते हैं बहुवचन। हिंदी में आप देखेंगे तो एकवचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ दो होता है, या तो एकवचन होगा या तो एक से अधिक हुआ तो बहुवचन, जिसे हम लोग कहेंगे सिंगुलर और इंग्लिश में कहेंगे प्लूरल, है ना। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। इतना तो बेसिक चीजें हैं, समझ में आ गई होंगी। आप कह दीजिए पेन, तो पेन क्या है, सिंगुलर हो गया एक वचन, लेकिन आप कहेंगे पेंस तो बहुवचन। अब ये जो यस जुड़ने से आपका क्या बन जा रहा है, आप ध्यान दे रहे होंगे, तो थोड़ा सा यस जैसे ही जुड़ रहा है तो ये प्लूरल बन जा रहा है, मतलब एक से अधिक चीजें हो जा रही हैं। आप कहेंगे काऊ मतलब गाय, लेकिन आप कहेंगे काऊज, तो इसका मतलब क्या होगा, गाय, एक से अधिक गाय, है ना। प्लूरल हो जा रही है चीजें, बहुवचन में हो जा रही हैं, तो यस लगने से आपका बहुवचन हो जा रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यस लगने से जो बहुवचन हो रहा है, और यस नहीं लगा रहेगा तो सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, है ना। चलिए इसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये चीज़ें हम बता क्यों रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि यदि आपका जो सब्जेक्ट होगा, अब सब्जेक्ट क्या है आगे हम देखेंगे, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा है ना, उसके बाद एक वर्ब होगा, इसी के बीच का जो तालमेल होता है, एग्रीमेंट होता है, उसी को हम लोग कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहते हैं, है ना। कभी कभी सिंटेक्स के अंतर्गत इसी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट होता है और ये जो वर्ब होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, और जब भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। समझ में आया, ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको जवाब और रिप्लाई मिल जाएगा। तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आप इससे याद कर सकते हैं एस एस और पी पी, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो चीज़ें ऐसी हैं कि यदि कोई नाउन है ना, यदि कोई नाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो उसमें यदि हम यस को जोड़ते हैं या ई एस को जोड़ते हैं तो वो बनता है प्लूरल, है ना। लेकिन यदि किसी वर्ब में यस या ई एस को जोड़ते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। अब यहीं पे लोगों को समझ में नहीं आता है और यहीं पे सारी चीज़ें कन्फ्यूजन यहीं से शुरू हो जाता है, लोग क्या करते हैं, गलती करना शुरू कर देते हैं। तो गलती नहीं करना है, यहाँ पर ये समझना है कि ये जो नाउन होगा, नाउन अभी हमने जितने भी एग्जांपल दिए, पेन, कार, काउ, ये सारे के सारे नाउन हैं, और नाउन में जैसे ही आप यस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे वो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब मतलब यदि आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो जो कार्य हो रहा होगा वही वर्ब होता है, जो सब्जेक्ट कार्य करता होगा। जैसे आपने कहा कि राम घर जा रहा है, राम का काम क्या है, घर जाने का, घर जा रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है, गोइंग, ये जो गोइंग है ये आपका मेन वर्ब है, कुल मिला के वर्ब है। तो वर्ब वही होता है जो क्या होता है, काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा। तो ये जो वर्ब आप निकला, आपका क्या निकला, गो। तो यदि आप गो में यस, इसमें देखिए जब वॉवेल होता है तो ई एच जोड़ते हैं, तो जब आप गोज कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है। अब देखिए चीजें कैसे मुड़ती हैं, यहां थोड़ा समझ लीजिए, है ना। देखिए ध्यान से देखिए, जब सब्जेक्ट आपका मान लीजिए है काऊ, है ना, तो इसको प्लूरल करने के लिए आप क्या करेंगे, काउज कर देंगे। लेकिन आपका जो वर्ब है
तो अब ये काऊ है, आपको पता है ना, सिंगुलर हो गया ये काऊ और ये प्लूरल हो गया। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर आएगा, मतलब जब भी वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, और ये प्लूरल है तो इसके साथ जब भी वर्ब आएगा तो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब ऐसे कंडीशन में वर्ब में यदि हम यस या ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर हो जा रहा है, ये चीज़ें समझिए। नाउन में यस या ईएस जोड़ रहे हैं वो प्लूरल हो जा रहा है, किसी वर्ब में यस या ईएस जोड़ रहे हैं सिंगुलर हो जा रहा है। ये तो सिंगुलर प्लूरल का खेल है। तो यहाँ पे काऊ के साथ जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, काउज के साथ जो भी वर्ब आएगा प्लूरल होगा। अब एक चीज़ समझिए कि जो वर्ब होता है वो अपने मेन फॉर्म में हमेशा प्लूरल ही होता है। यदि आपने कहा, जितने वर्ब आप जानते हैं, जैसे आपने कहा गो तो ये प्लूरल हुआ, आपने कहा प्ले तो ये भी प्लूरल हुआ, आपने कहा रन तो ये भी प्लूरल हुआ, ये अपने मेन फॉर्म में है। आपने कहा ड्रिंक, ये भी प्लूरल हुआ, तो जो अभी अपने मेन फॉर्म में है तो प्लूरल होंगे। लेकिन जैसे ही आप इसमें ड्रिंक्स कर देंगे ये प्लूरल से तुरंत सिंगुलर में आ जाएगा। आपने यहाँ पे देखा कि नाउन में हम लोग एस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन गया, लेकिन हम वर्ब में जोड़ रहे हैं यहाँ पे तो सिंगुलर। गो में गोज करेंगे सिंगुलर बन जाएगा, प्ले आपका प्लूरल है, इसमें प्लेज करेंगे तो ये आपका सिंगुलर बन जाएगा, और इसी तरह से रन में रन्स कर देंगे तो ये आपका सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो प्लूरल होते हैं, और कौन कौन से वर्ब होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से वर्ब होते हैं जो प्लूरल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट बताएंगे तो आपको सिंगुलर वर्ब बताएंगे, और उसी के साथ जब प्लूरल वर्ब बताएंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट भी बताएंगे, और दोनों का प्रयोग एक साथ होगा ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो यदि आप लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आपको अच्छी तरह से पता भी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है, सी आता है ना, दिस, दैट, और बताइए यदि आप लोगों को पता हो तो इट आता है ना, ही, सी, इट, दिस, दैट, और इसके बाद सिंगुलर नाउन, है ना, और इसके अलावा आपको मिलेगा आई, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में करके ETC कर लेते हैं, एक्सेट्रा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने बताया कि इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब ही आएगा। सिंगुलर वर्ब में क्या आएगा, एज आएगा, एम आएगा, और क्या आएगा, वॉच आएगा, हैज आएगा, और इसके अलावा डच आएगा, और इसके बाद हम लोग एक लिखेंगे डिड, इसको ब्रैकेट में करेंगे, और एक लिखेंगे हैड, इसको ब्रैकेट में करेंगे। अब इसके बाद कर लेते हैं ETC। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ सिंगुलर वर्ब है, ये दोनों हमेशा साथ में ही आएंगे। इसका मतलब ये है कि यदि ही, सी, दिस, दैट, इट और सिंगुलर नाउन और आई यदि आ गए तो इसका मतलब है कि जिसके साथ वर्ब इज, एम, वाज, हैज, डज, डिड, हैड, इसी में से कोई ना कोई वर्ब आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होंगे। भाई देखिए प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, दे, वी, यू, है ना, दे, वी, यू, और इसके बाद आप आई को भी लिख के ब्रैकेट में कर लीजिए। ब्रैकेट में क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं आपको। और इसके बाद आपका प्लूरल नाउन, है ना, ठीक है। अब इसके बाद हो गया, एक्सेट्रा कर लीजिए, ETC। एक चीज यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसके साथ भी क्या आएगा, आपको प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, मतलब बहुवचन वर्ब, बहुवचन क्रिया, है ना। क्या आएगा भाई, आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, डिड आएगा, ब्रैकेट में कर लीजिए, हैड आएगा, ब्रैकेट में कर लीजिए, है ना, और इसके बाद इट सी कर लीजिए,
उसके बाद इसी में आ जाएगा आपका डू भी आ जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई हैं। जैसा कि हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एकदम क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। अब आप इस बोर्ड पे देख के बस ये बताइए, यदि हम बताइए वी ले लें, वी ये वी ले लें सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब क्या आना चाहिए? वर्ब आपका इसी प्लूरल वर्ब में से ही आना चाहिए। या आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, डिड आएगा, हैड आएगा, डू आएगा, लेकिन यही आएंगे लेकिन इज, एम, वाज, हैज, डज में से कोई नहीं आएगा। इतना याद रखिएगा, है ना। यदि हम सी ले लें तो सी के साथ कभी आप आर का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी वर का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी सी हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब कुल मिलाकर साफ है, क्लियर है, यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट इनमें से कोई आता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इन्हीं में से कोई प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो इन्हीं में से प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, दोनों में से अलग अलग किसी का नहीं करना पड़ेगा। अपवाद के रूप में आप देखेंगे कि ये जो हमने ब्रैकेट में पहले से किया है डिड का और हैड का, देखिए इसी सिंगुलर वर्ब में भी डिड है, हैड है, और प्लूरल वर्ब में भी डिड है और हैड है। इसका मतलब ये है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपका जो वर्ब होगा वो डिड और हैड दोनों के साथ प्रयोग होगा। मतलब कुल मिलाकर ये, यदि आपको कहीं पे डिड दिखा या हैड दिखा तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा वो डिड और हैड दोनों आएगा। क्लियर है? तो इतना तुमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये समझना है कि किसी भी सेंटेंस का हम लोग अर्थ कैसे निकालेंगे। देखिए अर्थ निकालना सिंपल होता है, आप ट्रांसलेशन करना सीखेंगे तो अर्थ निकालना आराम से सीख जाएंगे। इसका मतलब आप टेंस पढ़ेंगे तो अर्थ निकालना थोड़ा सा आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको टेंस ऐसा समझिए, टेंस का एक छोटा सा रूप है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा कि कब भी जब भी किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ब्स मिलेंगे या ऐसे फॉर्मेशन मिलेंगे तो आप उसका अर्थ किस तरह से निकालेंगे ना। चलिए देखिए, ध्यान से देखते रहिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखिए, यदि आपको कभी भी यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा हो तो आपको उसका हिंदी में कैसे निकलना है अर्थ में, ता है, ती है, ते है, ऐसे निकलना है। ठीक है, जैसे आपने कहा राम गोज, आपने देखा कि वर्ब में ये तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब में ई एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसका हमका जो अर्थ पढ़ना है वो ता है, ती है, ते में पढ़ना है। तो राम का तो हो गया राम, गो मतलब होता है जाना, गो मतलब क्या होता है जाना, इसका अर्थ हम कैसे पढ़ेंगे, जाता है, इसी जाना में ता है, ती है, ते है जोड़ना है, जो सुटेबल हो उसे जोड़ दीजिए, तो राम जाता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राम जाता है। तो जब भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस दिखे, तब आई डू माई वर्क। देखिए आई का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया मैं, डू मतलब क्या होता है करना, माई मतलब होता है मेरा, वर्क मतलब होता है काम। जब आप इसको एक स्पष्ट हिंदी में लाएंगे, एक अच्छा सेंटेंस बनाएंगे, तो इसका होगा मैं मेरा काम, यहाँ पे मेरा कर लीजिए या अपना कर लीजिए, मैं अपना काम करना। अब यहीं पे आपको समझना है कि तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसमें आपको ता है ती है जोड़ना होगा, मैं अपना काम करता हूँ, इसी है इसी करना में ता है ती है जोड़ दीजिए, करता हूँ, ये हो जाएगा मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। तो जब भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या वर्ब में ऐसे ये जुड़े, ता है ती है अर्थ निकालना है। और नेक्स्ट जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिखे लेकिन इससे पहले आपको क्या दिखे, आपको क्या दिखे वर्ब की इश, एम और
आर ऐसा दिखे और उसके बाद वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो तो आपको पढ़ना है रहा है, रही है और रहे हैं। ऐसे अर्थ को निकालना है। यदि आप कहेंगे राम इज गोइंग, अब आप देखिए कि इज आया है, हाँ आया है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो आपको पक्का रहा है रही है निकालना होगा, इसी वर्ब में निकालना होगा। तो राम का तो राम हो जाएगा, इज मतलब है और गोइंग मतलब, गो मतलब होता है जाना, तो आप इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, जा रहा है। अब यहाँ पे है इसका, चाहे आप यहाँ पे लगा दिए या इससे समझ लीजिए, जो संज्ञा है आप उसको समझ लीजिए, तो क्या होगा राम जा रहा है। ठीक है, तो आपको जब ऐसे फॉर्मेशन दिखेंगे तो आपको अर्थ ऐसे ही निकालने हैं। हालांकि जब टेंस पढ़ेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं कि यदि अभी आप इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप पार्ट आप जब सेंटेंस पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे अर्थ थोड़ा सा निकालना आपको ज़रूरी हो जाएगा। थोड़ा सा क्या होता है कि आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे तो उसका अर्थ कैसे निकालेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे अर्थ निकालेंगे, है ना। आपने कहा राम हैज गॉन, आप देखेंगे हैज है, ठीक है हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गॉन है, इसका मतलब है राम जा चुका है। ठीक है, क्लियर है। आगे यदि आप कभी भी आपने देखा क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिर्फ आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखा तो इसका आप पढ़ेंगे आ ई ए या ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, जैसे आप कहेंगे राम वेंट टू होम, राम वेंट टू होम, राम, अब देखिए वेंट टू को थोड़ा सा वेट करिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, होम मतलब घर, वेंट मतलब होता है जाना, गो का ही सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म, गो का ही फॉर्म होता है। तो राम, अब देखिए गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब होता है जाना, तो यदि गो का मतलब होता है जाना तो वेंट का मतलब कैसे, या तो आप कहेंगे जाता था, ताथा तिथि जोड़ दीजिए, या तो फिर जा 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 मतलब गया, आ जोड़ दीजिए, गई ई जोड़ दीजिए, गए ये जोड़ दीजिए। अब आपके ऊपर है राम घर गया, यहीं करिए राम घर गया, इसको थोड़ा सा हिचेंगे या को आ या तो आ जाएगा, तो राम घर गया, तो ऐसे आप पहचान भी जाएंगे। यदि हिंदी में भी दिया गया है तो आप पहचान जाएंगे कि इसमें हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना है, यदि आपको यहाँ पे आ है आ गया, ई है आ गया, ए है आ गया, तो ये आपका अर्थ चुका है, चुकी में ही में लगाएंगे। जैसे आपने कहा राम वेंट टू होम, राम घर गया, यदि आपको कह दिया जाए राम घर गया है तब ये बदल गया, गया है मतलब ये आपका टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। तो ये इंग्लिश से हिंदी में निकालने का एक तरीका है, आप ऐसे अर्थ को निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, किसको देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे यदि आपके पास कभी भी, आपने देखा हैज हैव का, उसी तरह से आप देखेंगे अब हैड का, यदि आपके पास हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कैसे पढ़ेंगे, चुका था, चुकी थी, है ना, चुके थे, ऐसे फॉर्म में पढ़ेंगे। और इसी तरह से सेम हम करते जाएंगे तो आगे देखेंगे कि इसी तरह से आपको मिलेंगे हैज हैव हैड के बाद। अब इसमें थोड़ा सा फॉर्मेशन देखना है आपको, समझ लीजिए ऐसे, यदि आपको सिर्फ कहीं हैज दिख जाए, हैव दिख जाए और हैड दिख जाए और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, या तो वर्ब हो ही ना, या तो वर्ब हो ही ना, तो इसका अर्थ हम निकालेंगे पास या रखना। जैसे आप कहेंगे आई हैव अ पेन,
मेरे पास एक पेन है। आई मतलब मेरे, हैव का मतलब हो जाएगा पास, एक पेन मतलब मेरे पास एक पेन है। यदि यहीं पे आपने हैव की जगह पे हैड कर दिया तो मेरे पास एक पेन था, ठीक है। तो पास या रखना के अर्थ में होगा। अभी एक कंडीशन और है, यदि आपको हैज टू, हैव टू या हैड टू मिल जाए तो यहाँ पे अर्थ बदल जाता है और इसका अर्थ हो जाता है पढ़ता है, अनिवार्यता को दिखाने लगता है। मतलब यदि आप कहेंगे आई हैव टू डू वर्क, इसका मतलब ये है कि मुझे टू डू दिस वर्क कर लीजिए, मुझे यह काम करना पड़ता है। अब देखिए अर्थ कैसे निकालेंगे, सिंपल है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हैव टू है तो पढ़ता है तुरंत निकाल लीजिए। आई का मतलब होता है मैं, मेरा, मुझे, जो भी समझिए, है ना। मुझे, डू मतलब करना, दिस मतलब होता है यह, वर्क मतलब होता है काम। देखिए मुझे यह काम करना पड़ता है, हो गया, निकल गया इसका अर्थ। ऐसे ही आप इसको अर्थ को निकालते हैं। तो ये हैं कुछ अर्थ निकालने के लिए, आप ऐसे अर्थ को निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, आपने हैज हैव हैड के विषय में देख लिया। अब इसके बाद यदि आपको कहीं विल दिख जाए या सेल दिख जाए तो इसका अर्थ आप गा, गी, गे के अर्थ में पढ़ेंगे। जैसे आप कह दीजिए आई आई सेल डू वर्क। अब देखिए इसका अर्थ हम लोग गागे की अर्थ में, मतलब मुझे काम का, वर्क का काम हो गया, डू मतलब करना। अब क्या आई सेल डू वर्क, अब यहाँ पे इसी मेन वर्ब को आप क्या करेंगे, गा गी गे में बदलेंगे तो मुझे या मैं काम करूँगा, इसी करना को आपको क्या होगा, गा गे गी में बदलना होगा, तो मैं काम करूँगा इसी को बदल दीजिए। तो आप ऐसे ही चीज़ों को बदलेंगे, है ना। यदि आपको कभी भी विल या सेल के बाद बी मिल गया और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल गई तो ये फ्यूचर में चला जाता है और रहा होगा, रही होगी, ऐसे अर्थ निकालेंगे आप, ठीक है। इसी के बाद यदि आपको विल या सेल के बाद हैव मिल गया और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई तो चुका होगा, चुकी होगी की अर्थ निकालेंगे, है ना। ये थोड़ा सा आप ऐसा समझिए कि टेंस का रिवीजन थोड़ा सा समझ लीजिए ऐसा। ये टेंस का एक प्रारूप था, लेकिन ये ज़रूरी था कि आप पार्ट ऑफ सेंटेंस को पढ़ने से पहले आप इन सब चीज़ों को जानें। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आप जब पढ़ेंगे आगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते कहाँ होती है कि आप करेंगे आई के साथ एम का प्रयोग, फिर कभी कभी आई के साथ करेंगे हैव का प्रयोग। अरे भाई यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पर भी तो सिंगुलर होना चाहिए, हैज का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, है ना। इसके बाद यू का फॉर्मेशन, यू का मतलब क्या होता है, तुम या तुम लोग, तो इसके साथ हम लोग हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। यदि किसी को कहा गया तुम यह काम क्यों नहीं किए तो इसका मतलब होगा ये तुम जो कहा जा रहा है किसी एक पर्सन के लिए कहा जा रहा है। या कहा गया यू आर अ डॉक्टर, क्या कहा गया यू आर अ डॉक्टर, मतलब तुम एक डॉक्टर हो, भाई तुम एक डॉक्टर हो, एक ही डॉक्टर की बात की जा रही है, तुम जो हो एक ही डॉक्टर तो हो, तो आर का प्रयोग क्यों हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जान लीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि आई जो होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर होता है, काम जो करता है आई हमेशा सिंगुलर का करता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होता है वो कभी सिंगुलर होता है तो कभी प्लूरल होता है। तो ऐसे आप समझेंगे कि आई आप यदि कभी इंडिफिनिट में टेंस कर इंडिफिनिट में प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा प्लूरल होगा, और या तो फिर परफेक्ट में यूज कर रहे हैं तो भी प्लूरल होगा, है ना। तो आई के लिए कंडीशन होगा, हमेशा याद रखिएगा, ये जानते रहिए कि आई जो होता है उसका काम करना, काम जो होता है वो हमेशा सिंगुलर का करता है, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है, वर्ब जो यूज होता है इसके लिए,
कभी सिंगुलर का होता है तो कभी प्लूरल का होता है। आई के साथ वर का भी प्रयोग होता है, लेकिन कंडीशन होता है उसके पहले इफ का प्रयोग हुआ होता है, इसलिए वर का प्रयोग होता है। यू की बात करेंगे तो यू जो होता है ये जो होता है ये अपना फॉर्मेशन, ये जो काम करता है ये सिंगुलर के रूप में भी करता है और प्लूरल के रूप में भी करता है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, हमेशा, कभी वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा। तो आई और वी के विषय में ये जानते रहिए आप लोग कि आई हमेशा जो होता है सिंगुलर होता है ना, कभी प्लूरल नहीं होता, लेकिन इसके साथ वर्ब कभी सिंगुलर आ सकता है तो कभी प्लूरल आ सकता है। लेकिन ये जो यू है इसके साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन ये जो यू होता है कभी सिंगुलर का काम करता है तो कभी प्लूरल का काम करता है। आप कहेंगे यू आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर या यू आर अ डॉक्टर, या तो फिर कहेंगे कि यू आर डॉक्टर्स। यहाँ पे इस डॉक्टर्स के लिए ये यू के लिए आर आया है, यहाँ पर भी आर आया है, जबकि एक ही डॉक्टर की बात हो रही है। तो आपने देखा कि ये जो पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पर ये जो यू आया है एक डॉक्टर के लिए आया है, यहाँ पे ये जो यू आया है बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए आया है, प्लूरल के रूप में आया है। तो ऐसे फॉर्मेशन होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के विषय में कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट में आप देखेंगे कि वर्ब आपको देखने को मिलेगा क्या होता है, आप उसी में देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।